नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों से BHU इंटरेंस 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों तीन टॉपिक पर आज बात करूंगा, मॉक टेस्ट के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर और एडमिट कार्ड कब आएगा। बारी बारी से इन तीनों टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि BHU वर्ल्ड पर 5 कोर्सेज के लिए टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं तीनों टॉपिक को। तो मॉक टेस्ट के बारे में लगातार कमेंट आ रहा है कि सर ये सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि कौन कौन मॉक टेस्ट दे सकता है। तो आप जानिए कि कोई भी आदमी मॉक टेस्ट दे सकता है, यहां तक कि जिसने फॉर्म को फिलअप नहीं किया BHU इंटरेंस का, वो भी मॉक टेस्ट दे सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल ओपन पोर्टल पे है। तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता है कि ऑनलाइन वाले मॉक टेस्ट दे सकते हैं या ऑफलाइन वाले। कोई भी व्यक्ति जो BHUonline.in खोलेगा और अगर मॉक टेस्ट देना चाहे तो वो दे सकता है। उसके बाद मॉक टेस्ट में दूसरा क्वेश्चन जो हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहा है वो ये है कि मॉक टेस्ट किस कोर्स के लिए अपलोड किया गया है। तो ये समझिए कि मॉक टेस्ट किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए अपलोड नहीं किया गया है। हाँ, वो देखने में लग रहा है कि वो BA के लिए अपलोड किया गया है, लेकिन मॉक टेस्ट बस और बस आपको ये समझाने के लिए अपलोड किया गया है कि मॉक टेस्ट एक्चुअली जो BHU का टेस्ट होगा ऑनलाइन वो किस तरीके से होगा। यानी कि मॉक टेस्ट का किसी भी कोर्स से लेना देना नहीं है, ना तो वो BA के लिए है, ना तो वो BSc के लिए है, ना वो BCOM के लिए है, ना वो PET के किसी कोर्स के लिए है। दरअसल क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट सेट करने वाले ने इस तरह से उसको सेट किया है कि दूर से देखने में BA का लग रहा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन जब आप अंदर क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो BA का क्वेश्चन ही नहीं है। उसमें प्लस टू लेवल का जो है मैथमेटिक्स दिया हुआ है, प्लस टू लेवल का फिजिक्स दिया हुआ है, जबकि BA का सिलेबस साफ डिस्क्राइब करता है कि आपको मैथमेटिक्स जो आएगा वो 10th लेवल तक का आएगा। तो मॉक टेस्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा, किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति मॉक टेस्ट दे सकता है, वो महज और महज इसलिए दिया गया है ताकि आप मॉक जो टेस्ट देंगे उसके पैटर्न को समझ सके। तो मॉक टेस्ट में बस यही दो मेजर कमेंट्स थे जो कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। अब दूसरा जो एग्जाम पैटर्न को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, खास करके BA वालों में। सबसे पहले ये समझिए कि जो लोग भी BSc BCOM इन सारे कोर्सेज के एग्जाम दे रहे हैं तो उनके एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस जो हुआ है वो BA के लिए हुआ है। तो BA में कितने क्वेश्चन आएंगे इसको लेकर बार बार कमेंट आ रहा है। तो इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था पहले भी, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, उसको आप देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि BA का जो एग्जाम पैटर्न होगा, मॉक टेस्ट जैसे अपलोड हुआ उसी से रिलेटेड बात को देखते हुए जो है एग्जाम पैटर्न को लेकर क्वेश्चन आना शुरू हुआ, क्योंकि उसमें क्या किया गया है कि BA का नाम दिया गया मॉक टेस्ट में और 30-30 क्वेश्चन जो है सब में दिया गया। सबसे पहले ये समझिए कि जो लोग मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्वेश्चन नहीं पता भी कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने की प्रक्रिया जो है वो अलग होती है। तो उन्होंने अपने अंदाज के हिसाब से 30-30 क्वेश्चन सेट कर दिया है। कोई गारंटी नहीं है कि वही सेम पैटर्न आएगा, हो सकता है वो आ भी जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन GS के और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर का आएंगे। इसलिए आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो भी आएगा आपको जो है अच्छे से करना है, क्योंकि आपका पूरा कोर्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट किया गया है। अब रही बात की कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो जो भी BSc एग्रीकल्चर, BSc बायो, मैथ वो दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि 150-150 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन BA वाले में एग्जाम पैटर्न में क्या हो सकता है, मान लीजिए 30-30 क्वेश्चन अगर चारों में देता है तो 120 क्वेश्चन होगा, तो 90 क्वेश्चन तो वो सबके लिए कंपल्सरी करना होगा, 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला होगा वो अलग से रहेगा। तो यानी टोटल जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ये 150 क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लीजिए लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन आएगा तो वो घट के हो जाएगा, मान लीजिए इधर आ जाएगा तब आपका 100 क्वेश्चन और लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन तो वो हो जाएगा 140 क्वेश्चन। लेकिन आपको 120 क्वेश्चन ही करने हैं, इस बात को याद रखिएगा। लैंग्वेज वाले पोर्शन में केवल एक पेपर को जो है आपको लेना है, या तो आप हिंदी करिएगा या तो आप इंग्लिश करिएगा। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो आ रहा है एडमिट कार्ड को लेके कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड को रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। एडमिट कार्ड जनरली BHU जो है एग्जाम के एक वीक पहले पब्लिश करती थी, लेकिन इस बार की न्यूज़पेपर्स ने ये पब्लिश किया कि 4 तारीख से, कुछ ने 1 तारीख से ये पब्लिश कर दिया कि एडमिट कार्ड आएगा। हालांकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है।
जब मैंने BHUVC का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट चेक किया तो कन्हैया झा नाम के व्यक्ति ने BHUVC को ट्वीट करके पूछा था कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो BHUVC ऑफिस की ओर से ये ट्वीट आया है, रीट्वीट आया है कि 7 दिन पहले एग्जाम के एडमिट कार्ड आएगा। ये ट्वीट अभी आपको देखिए स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। इसी ट्वीट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 7 दिन पहले आएगा। फिर भी उसके पहले भी यदि एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुरंत आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन देंगे। आप भी इसकी जानकारी खुद से ले सकते हैं। आप क्या करिए कि जनरली दिन में 2 बार www.bhuonline.in खोला करिए। एक बार सुबह खोल लिया कीजिए, एक बार शाम खोल लिया कीजिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग परेशान एडमिट कार्ड के लिए हो रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक थे हमारे मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न और एडमिट कार्ड के ऊपर, जो आपके कमेंट के क्वेरीज के ऊपर बेस्ड थे। आपने जैसे जैसे कमेंट किया हमने उसका रिप्लाई किया। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और डाउट्स है और कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियो बनाने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। काउंसलिंग तक की पूरी जानकारी आपको BHU वर्ल्ड लगातार प्रोवाइड करता रहेगा। और हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए या ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी ले लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।